जो मर भी मैं भूल गई जान जा तेरे लिए, अरे झुमका भी मैं भूल गई जान जा तेरे लिए। वाह कसम यार, मजा आ गया यार, क्या जगह है यार। तेरे को पता है राधे, जो ओरिजिनल अनारकली थी ना वो अपने मोहल्ले की थी, पता है तेरे को शौकी? लाल किला नहीं है क्या? सारा ड्रामा वही तो हुआ था सलीम के साथ यार, अपने को पता नहीं है क्या? ब्यूटीफुल हैंडसम अनारकली, अरे आज तूने मेरे कपड़े फटने से बचा लिए। राधे ये अनारकली तो ओरिजिनल वाली से भी ज्यादा टिप टॉप है यार। टिंडे की माँ की कसम, मैरिड नहीं होता ना पप्पी ले लेता इसमें यार। राधे तो नहीं है ना मैरिड, राधे ले लेता पप्पी। सारे दूल्हे बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता है, है? कि जिस बाराती घोड़ी पर ये लोग जो पैसे लुटा रहे हैं दरअसल में वो घोड़ी नहीं बल्कि घोड़ा है। आज तक इतने सारे लोग कभी नहीं आए मेरी नौटंकी देखने के लिए। तू तो कमाल है, मेरी पहले बार हीरोइन से भी अच्छा नाचा तूने। बाड़ में गई तेरी अनारकली, बाड़ में गया तेरा सलीम, रख इनको अंदर। साले तेरी जान बचाई मैंने, तू सुसाइड करने वाला था। ये जो ड्रामा कंपनी खोली है ना तूने नौटंकी, ये बंद होने वाली, इसलिए सिर्फ तेरी हेल्प की है मैंने। और देख सुन, जो तुझसे मैंने 2 लाख रुपए लिए है ना, हाँ वो मैं लौटा दूंगा, और उसके बाद जयराम जी की भाई। अरे तूने तो मेरी जान बचा ली। दूर से बात कर। जो तूने मुझसे 2 लाख रुपए लिए ना वो अभी के अभी लौटाने की कोई जरूरत नहीं है यार। क्यों? आज से तू मेरी नौटंकी की परमानेंट अनारकली। क्या? क्यों पैसे नहीं चाहिए तुम्हें?
तूने अपने होने वाले बच्चे की जान तो बचा ली, लेकिन उसे दुनिया में लाने के लिए कमाना तो पड़ेगा, चाहे अनारकली बनकर या फिर बॉर्डर का फौजी, दोनों बात एक ही है यारा, सोच लियो। हेलो पापा, आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा क्या? नहीं, क्या हुआ, क्या है? पढ़ लो पापा प्लीज जल्दी। क्या हुआ? इंद्रशि कुमार ने ऐड दिया है उसमें, मेरा छोटू बेबी आएगा उसके एडॉप्शन के लिए। सुबह से बहुत फोन आ रहे हैं। एक बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? बचपन में चॉकलेट और आइसक्रीम, बड़ा होगा तो उसका खुद का रूम, जवान होगा तो उसकी पर्सनल कार, ये सब तो हम उसे दे ही सकते हैं। हमें क्या मालूम उसकी क्या जरूरत है, वो तो बच्चा खुद ही बताएगा ना जी। आप लोग अडॉप्शन करने क्यों आए? आजकल का लेटेस्ट फैशन है जी, बच्चा अडॉप्ट करना। मेरी सारी किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स ने बच्चे अडॉप्ट किया है, सिर्फ मैं ही एक बच्ची हूँ। कुत्ते, बिल्ली, फिश, बर्ड, हम तो सभी अपने घर में पालते हैं। इंसान के बच्चे को भी पाल कर देखना चाहते हैं। जब एक बच्चा बिना बात के रोता हो तो उसका कारण क्या होता है? एक ही कारण हो सकता है, बच्चा बहुत ही वीक है। ऐसे बच्चों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। एक बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? देख लो यहाँ क्या चल रहा है। चलो जाओ, अंदर जाओ, ऊपर जाओ, चलो देखो सामने। आप अपना घरेलू मामला सुलझा लीजिए, हम बाद में आएंगे। चलो हाँ। तो श्रीमती, मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। होने वाले बच्चे के लिए उसके माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो आप अपनी जिद में हमारे होने वाले बच्चे से छीन रही हैं। सही कहा आपने, एक माँ और एक बाप का प्यार बच्चे के लिए सबसे जरूरी होता है, लेकिन हमारे बच्चे के लिए एक गैर जिम्मेदार और भगोड़े बाप का प्यार खतरा होगा। भाग तो आप रही हैं श्रीमती जी अपने माँ होने के फर्ज से, क्योंकि माँ अगर आपको लगता है कि आप नहीं भागनी है तो फिर आप अपने बच्चे को गैर की झोली में कैसे डाल सकती हैं? ऐसा नहीं कर सकती हैं आप श्रीमती। नौकरी मिली आपको, उस लड़की को नहीं छेड़ने का सबूत है आपके पास? आप दोनों लाकर मुझे दे दीजिए तो मैं अपना फैसला बदल दूंगी। और क्या कह रहे थे आप मुझे कि मैं भाग रही? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं जिंदगी में किसी भी चीज से नहीं भागी। दिल पर पत्थर रखने के बावजूद मैंने कभी भी कोई सही फैसला लेने में संकोच नहीं किया। अपने ही अंश को किसी और की झोली में डालना बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए मजबूत दिल चाहिए होता है। लेकिन आप क्या समझेंगे, आसान रास्तों की आदत जो पड़ गई है। जो बोलना है आपको बोलिए श्रीमती जी, एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा लीजिए, लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बाप हूं मैं उसका, और जानता हूं कि मां का दर्जा ऊंचा होता है, लेकिन बाप का भी कम नहीं होता है श्रीमती। ये बोलने का हक आप बहुत पहले ही खो चुके हैं, और खबरदार जो मुझे रोकने की भी कोशिश की। भारत में ऐसे बहुत मां बाप हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, और मैं कोई किसी ऐरे गहरे को अपना बच्चा नहीं सौंप रही। मैं किसी योग्य जिम्मेदार मां बाप को ही अपना बच्चा सौंपूंगी, ताकि उसका भविष्य हर तरह से सुरक्षित हो।
उसका लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ पूरी हो, और ये सब करने के लिए मुझे उसे अपने कलेजे से दूर करना ही पड़ेगा। पता है मुझे कि कोई भी मां ऐसा शायद नहीं करेगी, लेकिन मैं कहती हूं कि मैं करूंगी। ये ऋषि यहां पर के जेल से भागा हुआ कैदी यहां क्या कर रहा है? बुलाओ पुलिस को, पुलिस को बुलाओ। जैसे भी हैं, रिश्ते में ससुर लगते हैं मेरे, इसीलिए बचाया था अंकल जी, नहीं तो जेल में हड्डियां कीर्तन कर रही होती हैं आपकी। समाज के सामने गंदा दामाद होने की मिसाल नहीं बनना चाहता था। ये जो बची कुछ हड्डियां ना आपकी, संभालो नहीं तो जमीन से इकट्ठी करनी पड़ेगी। सुनिए, जो कांड आपने किया है उसका जो सच है ना, वो आपकी बेटी यानी मेरी श्रीमती जी के सामने बहुत जल्द आएगा। उल्टी गिनती शुरू कर दो। मुझे अपने घर वापस जाना होगा, ऐसे बाहर रह के तो मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और ना ही कुछ हो रहा है यार। ऊपर से मेरी श्रीमती जी एक नंबर की जितनी है, एक नंबर की। जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं करूंगा ना, तब तक बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली है। और अभी गुस्से में पता क्या कर रही है ना सिन्नी? क्या? हमारे होने वाले बच्चे को किसी और को गोद दे रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी। क्या हुआ? क्या? Thank you.
चौली गुरु जी, आपने मेरी जान बचा ली गौरी जी, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। अपनी अड़ियल बीवी को समझाने के लिए अड़ियल बनना ही पड़ेगा। वैसे मेरा तरीका थोड़ा अलग और अनोखा जरूर है, पर अपने बच्चे को गोद लिए जाने से बचाने के लिए यही तरीका बचा था, तो क्या कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। गॉड इज ग्रेट, हाँ क्या परफेक्ट टाइमिंग है उनकी और आपकी, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे भेजा उन्होंने आपको मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू, इट्स ओके, आप ना मेरी लाइफ की ओनली होप हो जी। जी हाँ, और मैं तो कहनी है तुसी लेडी नहीं हो जी, तुसी तो टॉप हो, टॉप हो जी, तुसी टॉप हो। आराम से, तुम हो कौन और ऐसे बीच रास्ते में खुदकुशी क्यों कर रहे हो? जिस बात का डर था वही बात हो, रख दिया ना, रख दिया ना आपने भी मेरी दुखती हुई रख पर हाथ। बहुत ही रफ एंड टफ कथा है मेरी, कितने लोगों ने सुनने की कोशिश की लेकिन सुन नहीं पाया कोई भी, कुछ लोग तो बीच में से ही गुजर गए, क्या क्या कुछ नहीं सहा है मैंने, उसके बाद कहीं जाके बहुत मेहनत से हुई हूं। ओनली 18। ओ कंजरा आके रोड तेरा जरा सी सेक्सी लड़की देखी नहीं कि बस। हाँ तो आप की गल कर रही थी कितने सी, आप बताओ तुसी कितने कितने की गल कर रही थी। रफ एंड टफ, हाँ मैं भी ना, बहुत ही रफ एंड टफ पानी है मेरे। मुआ डॉक्टर वो कहंदा है कि मैं बाहर तो लेडी हाँ, अंदर तो मैं मां नहीं बन सकती, मैं मां नहीं बन सकती हाँ, बस यही गल ना मेरी लाइफ में मैंने सब तो छुपा के रखी है। और नागिन माय मदर इन लॉ नागिन ऐसे डसती रहती है, बार बार ताने देती है, धमकी दे दी एक दिन मेरे को, वो कंजरी कहंदी है कि जदो अगर तू मां नहीं बन सकती तो मैं अपने मुंडे का ब्याह किसी और कुड़ी के नाल कर देंगी। आई स्वेयर मैंने ना उस दिन कसम खा ली, मैंने पूरा गेम प्लान ना ऐसे ताश के पत्तों की तरह बिछा दिया। उस दिन मैंने ना अपनी लाइफ का पहला और आखिरी और सबसे बड़ा झूठ बोला मैंने, जॉली गुड, अरे जॉली माय हस्बैंड, वेरी क्यूट एंड स्वीट लाइक यू। ठीक है, मैंने कहा नागिन को मैं जॉली दे बच्चे दी मां बनने वाली हां मां। बस उस एक झूठ को छुपाते 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 मैं कनेडे तो इंडिया आ गई। मैंने ना वहां पे सबको ये बोला, स्पेशली नागिन को बोला कि मैं अपने पहले न्याने को उसकी नानी दे घर जन्म देंगी। बस ये बहाना करके मैं इत्थे आ गई, मुझे लगा कि मैं इंडिया आऊंगी और 2-4 dozen बच्चे अडॉप्ट कर लूंगी और उसके बाद किसी को शक नहीं होगा और हो जाएगी मेरी हैप्पी फैमिली। लेकिन मेरी किस्मत माय डेस्टिनी कैसे हो, मेरी हैप्पी फैमिली मेरी डेस्टिनी में फंगस जो लगा है ऐसे, हम मैं मरूं नहीं तो क्या करूं बताओ ना मुझे आप। कोई मुझे बच्चा अडॉप्ट ही नहीं करने देता, कोई गोद ही नहीं देता है बच्चा मुझे, क्या करूं मैं। सब कहते मैं एनआरआई हूं, अरे हूं मैं एनआरआई, इसका मतलब क्या है, मैं मां नहीं बन सकती क्या। वो कहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे का ख्याल रखेगी या नहीं, अरे मैं रखूंगी, 2 तो सही। करोड़ों की जायदाद है मेरी, ब्लाइंड मनी है मेरे पास, आई स्वेयर एक बार कोई हिम्मत कर दे, हिम्मत वाला, मैं बच्चे को ऐसे अपने सीने से लगा कर रखूंगी, बिल्कुल ऐसे रखूंगी उसकी रियल मॉम भी नहीं रख पाएगी, इतना प्यार दूंगी मैं जैसे भी आपको दे रही हूँ, बिल्कुल ऐसे, हाँ ऐसे ही प्यार करूंगी मैं उसको बिल्कुल। हाँ मेरे बच्चे, बोलिए है कोई जो मुझे अपना बच्चा दे दे, बोलिए आप, बोलिए ना।
क्यों नहीं है आप श्रीमती जी कि दे देंगे।